हो? मैं सब आपको आपका वेलकम करता हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अब आप बताइए कि क्या आपको कैसा लगा ट्रेलर देख के और सॉन्ग्स देख के हमारे? चलेगा? थैंक यू सो मच। पिछले 4 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कुछ तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम किया है, लेकिन सपना ये था कि जैसे हर किसी का होता है, हर आर्टिस्ट का, कि बॉलीवुड में काम करें, बॉलीवुड में डेब्यू हो। तो डेब्यू मेरा एक फुल्लू जैसी फिल्म के साथ, इतनी खूबसूरत फिल्म के साथ होगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और शाइन शारिब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना अहम किरदार, इतनी खूबसूरत फिल्म फुल्लू में निभा सकूँ। थैंक यू सो मच। और मीडिया का थैंक यू आज आने के लिए। और दिव्या मैम, आपको पता नहीं है कि कितना मतलब आपकी सपोर्ट की वजह, दिस मीन्स सो मच टू मी, टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच दिव्या मैम आने के लिए। दिव्या जी, कुछ दो चार शब्द। पहले तो सबको नमस्कार और तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बिकॉज फुल्लू जैसी एक बहुत खूबसूरत फिल्म को सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। और शारिब का एक फ़ोन आया था मुझे कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो औरतों के इस मुद्दे पर, सैनिटरी पैड्स पर बनी है, एंड उसका प्रोमो देखा मैंने जो आप सबके साथ अभी शेयर किया गया, और फिर फिल्म देखी, और मुझे लगा इस फिल्म को एक आवाज़ देना, एक साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक छोटी जगह से आती हूँ, छोटा टाउन जहाँ से थी, लुधियाना से भी आगे एक जगह थी सानेवाल, और मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर थी, तो गायनाक थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो ये मुद्दा मेरे लिए एकदम, क्योंकि तब भी मुझे याद, हम कॉलेज जाते थे तो मेरी एक सहेली आती थी और दूर गांव से, और वो एग्ज़ाम्स मिस कर देती थी क्योंकि वो इन दिनों में नहीं आती थी या उसके पेरेंट्स उसे नहीं आने देते थे। मम्मी की नर्स जो थी, जो गांव से आती थी, वो भी ये 4-5 दिन की छुट्टी मारती थी, मारती नहीं थी, एक मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ता था। सो ये एक वे ऑफ लाइफ था सबके लिए, जो हम, मुझे लगता है, बहुत लकी हैं जहां हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया, हम एजुकेटेड हैं, हमें मालूम है कि ये हाइजीनिक है, और ये बड़ी सरलता से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन, प्रीपैड लाइक स्ट्रेट, कि हमने बाकी दवाइयों के साथ डाल दिया, उसे हमेशा कागज़ की परतों में डाला जाता है, लेयर्ड रखा जाता है, ढका जाता है, बिकॉज एक ऐसा मुद्दा है जिसे सब नहीं सामने लाना चाहते, विच आई थिंक आप लोग सब, ये जो मर्दों की टीम है, एक औरतों का खास, ये जो बहुत अहम मुद्दा है, इसे आप लेकर आए हैं। तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद, और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी और फिल्में बननी चाहिए, इसलिए हमें सबको ऐसी फिल्म को हौसला अफजाई देने की बड़ी ज़रूरत है। सो आई एम हियर इन वट एवर वे आई कैन बी, बिकॉज जितनी बीमारियाँ इसकी वजह से होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर्स हों, चाहे वो UTIs हों, चाहे कुछ भी अनहाइजीनिक जो भी तरीके से हो, औरतों को ये मिलता ही नहीं है, जो आपने अपनी फिल्म में दर्शाया है, लोगों को शायद दिखता, पता भी नहीं ये चीज़ क्या है और क्यों यूज़ की जाती है, और हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं या कागज़ यूज़ करते हैं या सूखे पत्ते यूज़ करते हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी है। सो मुझे लगता है कि अभी जैसे केरला में एक कुछ अनाउंस किया गया है कि सब स्कूल्स में फ्री में सैनिटरी पैड्स गर्ल्स स्कूल्स में बांटे जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक, आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं, ऐसी जगह जहां लोग वाकई जागृत हो रहे हैं। और मैं आप सबके जरिए, आई थिंक, एक गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं सैनिटरी पैड्स पर, 14.5 या ऐसा कुछ है, अगर इन्हें कटौती दे दी जाए, लोगों तक थोड़ा फ्री पहुँचे या मोटिवेशनल कुछ ऐसा हो, तो वो जो लड़कियाँ, वो जो औरतें, जो जिनके लिए बहुत दूर दराज की एक बात है, वो उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो आई वुड जस्ट से गिव दिस फिल्म ऑल द लव दैट यू कैन। जो दिल से बात आती है ना, वो कभी गलत नहीं होती, और आपकी फिल्म जो फुल्लू है, मुझे लगता है बड़ी दिल से आपने बनाई है। शारिब आपको, अभिषेक आपको, ज्योति, क्षितिज, शाहीन जी एंड द एंटायर टीम, पारुल, thank you so much for packing such a film and just take it to the right places, people. I think it needs all our love. Shukriya. Thank you. Ab kisi ko kuch sawal karne hai to kar sakte hai. Wow.
वो मर्द नहीं होता, तो आपके हिसाब से उस मर्द को क्या कहना चाहिए जो औरतों का दर्द नहीं समझता? नामर्द। तो रियल लाइफ में ये जो आप रियल लाइफ में जैसे और इस फिल्म का जो आपका कैरेक्टर है, तो उससे आपका कितना तालमेल है? आप रियल लाइफ मेरे ख्याल से जो भी हम किरदार निभाते हैं तो उसका उसमें हमारे खुद के अंश आते ही हैं, और कुछ कुछ चीज़ें इसमें मेरी हैं, कुछ उस कैरेक्टर की हैं, और कुछ जो शाहीन भाई ने लिखा है। आधा काम एक्चुअली स्क्रिप्ट कर देती है, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ख़ासकर अगर लिखाई इतनी खूबसूरत हो जैसी उन्होंने की है शाहीन साहब ने, तो वो यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर, साथ में चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाती हैं। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज लिखा हुआ, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज, ऐसे एक्चुअली और कई लोग हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं है, और भी लोगों ने अपने अपने तौर पे इस मुद्दे को उठाया है, छोटे छोटे गाँव में काफी लोग हैं जो एक्चुअली 2015 में मैंने सोचा था कि इस तरीके की एक फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने ये जो शो किया है वो काला पॉलिथीन वाला जो सिनेरियो है वो एक्चुअली मेरे साथ हुआ था लोखंड वाला में, ही बॉम्बे में। शादी के बाद जब मैं सैनिटरी नैपकिन खरीदने गया तो मैंने खुद ये देखा, और मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने उससे क्वेश्चन भी किया केमिस्ट से कि आप क्यों इसको रैप करके दे रहे हैं, क्या है? तो वो कह रहे नहीं ऐसा ही होता है, बस ये कह के डाल दिया। तो मैंने उस समय सोचा कि मेरे को एक कोई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री एक इसके ऊपर बनानी चाहिए। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से डिस्कस किया, जो कि क्षितिज चौधरी और एक डॉक्टर अनमोल कपूर हैं, कनाडा रहते हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मेरा थॉट है जो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर हमने रिसर्च स्टार्ट करी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हालांकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर कमर्शियल ना हो तो पैसा लगाते हैं, जैसा आपने खुद बोला, और ऐसा ही है आगे। बट इन लोगों ने सब रिस्क पे डाल के फिर बोला कि नहीं, ये इनिशिएटिव है जो हमें लेना चाहिए। और उस समय पे आई डोंट थिंक सो कि इस बारे में कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बात भी हो रही थी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो डिफ़िकल्टीज तो बहुत आई हमें, और अभी तक भी आ रही हैं थोड़ी बहुत। जैसे हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिला है, जो फुल फ्लेज फिल्म है, फीचर फिल्म को। सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट आई डोंट थिंक सो कि उसको ए सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसा फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ कंटेंट है, जो सैनिटरी पैड है, और आई डोंट थिंक सो कि वो ए सर्टिफिकेट है उसके लिए, एडल्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिला? या सीन्स काटने के लिए भी कुछ कहा गया? नहीं, सीन्स काटने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एडल्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कंटेंट वो कहते हैं कि ये कंटेंट जो है वो एडल्ट है। ये मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है, मुझे तो लगता है ये टीनेज बच्चों को सबसे पहले दिखानी चाहिए। I'm actually shocked to hear this. ऐसी फिल्म तो स्कूल्स में लेकर जानी चाहिए, या कॉलेजेस में लेकर जानी चाहिए, या गाँव में जहाँ पर नहीं जाती हैं, या छोटे शहरों में। जितनी फिल्म ये जाएगी उधर तक, सो आई वुड से आई एम टोटली वेरी शॉक्ड टू हियर दिस, समथिंग लाइक दिस गॉट एन ए सर्टिफिकेट, नॉट वेरी कंफर्टेबल हियरिंग दैट, नो। मतलब हमने जो फिल्म का मुद्दा है कि सब तक पहुंचे, और इस फिल्म का मुद्दा यही कि हम ढक रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट को कि ये सबके सामने मत बोलिए कि आपको पीरियड्स आए हैं, ये सबको मत बोलिए कि मुझे सैनिटरी पैड्स ला दो, क्यों? दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, people should accept it, this is the motive of the film, and if you're giving it an A certificate, you're not letting it reach the audience that needs to watch something like that. According to me, tax-free to hona hi chahiye, aisi cheez jaise maine abhi aapko kaha, kuch jagah pe 12% hai, kuch jagahon pe shayad 14% bhi hai, to jinke liye abhi main kahin se aa rahi hu, aarok ko bata rahi thi, to sadkon pe aap dekhte hain ki 40 वाट का बल्ब लगा है, 60 भी नहीं है, पंखा नहीं चलाते, क्योंकि बिजली का बिल हमने पूछा खास उधर की कि वो बोले 200 आता है हमारा बिल, अगर हम पंखा करेंगे तो 300 या 400 आएगा। ऐसे लोग सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करेंगे अगर आप वैसे टैक्सेस होंगे या ऐसा कुछ होगा? सो इफ़ यू वॉन्ट टू रीच देम, जिनको मालूम ही नहीं कि ऐसा भी होता है, वहाँ बहुत अच्छा किया केरला गवर्नमेंट ने जो कि ये कर रहे हैं स्कीम, आई थिंक बाकी स्टेट्स को भी करना चाहिए, एंड आई कुड रियली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि ये इसे टैक्स फ्री करें।
ढूंढ के निकाला कहीं से, उनके गांव में असल में कोई एक कैरेक्टर था ऐसा जिसका नाम फुल्लू था, तो ये असली नाम है, वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जिनका ये नाम होता है, और ये नाम बड़ा क्यूट सा है और उस कैरेक्टर के साथ में जाता भी है, तो हो सकता है उसका पूरा नाम फूलचंद होगा जिसको प्यार से सब फुल्लू कहते हैं। जैसे कि आपने इस मूवी की शूटिंग मथुरा में की, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको नहीं पता था कि पैड कैसे, तो आपने उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन किया, वर्कशॉप किया उनके लिए नहीं इसके बारे में लोगों को पता कैंपेन ऐसा नहीं किया, बट हमने हमारी जो फीमेल टेक्नीशियंस जो थे हमारे क्रू में उन लोगों से हमने उनको बोला कि आप उनको जाकर थोड़ा सा अवेयर कराएं उसके बारे में और बताएं, और हम तो हमने उनको दिया भेजा भी, बट वो लोग तब भी झिझक रहे थे कि इसे लें या ना लें, उसको कैसे इस्तेमाल करें, वो सब तो वो चीज़ें थी। मैम आपका क्या रिएक्शन, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली बचपन में जब आप थे तो आप फर्स्ट टाइम आए तो आपकी मम्मी ने कहा था कि कपड़ा यूज़ करो, तो अभी आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, आप इस टाइप की फिल्म कर रहे हैं? मेरी हाँ, मेरी मॉम को पता वैसे कुछ दिन पहले ही चला है कि मैंने ऐसी कुछ मूवी की, लेकिन ऑब्वियसली अब उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी इतने सालों में चेंज हो चुका है, तो अभी शी इज़ क्वाइट प्राउड कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जी। तो मैम आपको फिल्म का ट्रेलर मूवी छोटी सी चला कैसी अच्छी लगी आपको? जी ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और इस सब्जेक्ट को मुझे लगता है जितने लोगों के सामने लाया जाए, जितना सपोर्ट दिया जाए, उतना बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो इस फिल्म को देखते। तो मैं आपको क्या लगता है किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए सब लोगों को? सबसे पहले तो लोगों को ये बताना चाहिए कि ये सब्जेक्ट टैबू नहीं है, इसे कुछ बहुत ढका हुआ ना बोलने वाला टॉपिक ना माना जाए। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इनका जो नाम भी लिखा है उसमें, वो लाल उससे लिखा गया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लोगों को कहीं ना कहीं शॉक वैल्यू लगती है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लगती है। अगर आप सीधा बोलेंगे कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, तो लोगों को लगता है बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, सीधा ही बोल देती है। आप हमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ को ढक के सबके सामने, बड़ों के सामने, वो सही है, लेकिन जो मुद्दा है, जो जैसा है, उसे बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट अलग होती है, और एक चीज़ को सामने लाना, उसके साथ डील करना अलग होता है। एंड आई थिंक जो हाइजीन है, औरतों की हाइजीन, वो इस ढकने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत मात खा रही है। एंड सैनिटरी पैड्स को लोगों तक पहुँचाना, औरतों तक, लड़कियों तक, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक केरला गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगी जिन्होंने पहला स्टेप उठाया। ये फिल्म बहुत सही वक्त पर आ रही है, जहाँ आई थिंक जितने लोगों तक जाएगी उतना लोग इस बात से जागृत होंगे। एंड आई थिंक इट शुड बिकम अ नॉर्म, इट शुड बिकम अ कंपल्शन दैट सैनिटरी पैड शुड बी गिवन टू गर्ल्स। सर देखा जाए तो मैम ने बोला, हमने तो सारी पर कैरेक्टर देखा कि वो महिलाओं के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप उसमें काफ़ी धीमी और शांत? नहीं नहीं, बिल्कुल धीमी नहीं हूँ, जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा हमें बहुत बड़ी बम्बू उसमें। लेकिन मेरा जो खास योगदान रहा है वो रहा है कि जब इसकी शादी नहीं होती ना फुल्लू की, जब शादी नहीं हुई होती है, तो क्या है माँ से या बहन से बात करने में हम बात नहीं कर पाते ना अक्सर इन चीज़ों के बारे में, माँ बहन बात ही नहीं करती अपने बेटों से या भाइयों से। तो शादी के बाद एक ये बदलाव आता है कि उसे जो अंदर होने वाली जो बेसिकली ये चीज़ है वो चीज़ क्या है, और उसकी वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो बीमारी के बारे में पता चलता है कि क्या क्या इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या तकलीफें हो सकती है इस चीज़। तो आई थिंक वहाँ पर ये कैरेक्टर जो है थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि शादी के बाद फुल्लू को सब कुछ पता चलता है अंदरूनी चीज़, तो वैसा कैरेक्टर है। तो आपको ऐसा हस्बैंड मिलकर आपको मुझे रियल लाइफ में ऐसे मेरा क्यूट सा फुल्लू मिल जाए तो बस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, बट हाँ बड़ा ही सुंदर कैरेक्टर है फुल्लू का, और आई होप कि मुझे रियल लाइफ में भी ऐसा ही फुल्लू मिले। मेरे को खुशकिस्मत समझता हूँ मैं अपने आप को, जो मैंने ये कोशिश करी है वो आज पर्दे पे आ गई है, और इसमें मेरी टीम का बहुत सपोर्ट था। मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं क्षितिज चौधरी, डॉक्टर अनमोल कपूर, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जो कि ये पर्दे पे आज आप ये देख रहे हैं। एक्चुअली फिल्म हमारी बिल्कुल भी सेम नहीं है। अक्षय कुमार सर जो फिल्म लेके आ रहे हैं वो एक चीपेस्ट सैनिटरी नैपकिन के ऊपर उनका जो है वो है मुद्दा, और वो ट्रू स्टोरी है ऑन अरुण मिस्टर अरुणाचलम जी, बट हमारी जो स्टोरी है वो फिक्शनाइज स्टोरी है, और जो कि वैसे ही बहुत सारे लोगों को हमने समर्पित है जो ये फिल्म इनिशिएटिव।
जी बिल्कुल हुआ है मेरी लाइफ में। जब जैसे हम लोग आज बॉम्बे जैसी जगह पे हम लोग ख़रीदने जाते हैं सैनिटरी नैपकिन, तो उसको काले पॉलीथीन के अंदर रैप करके और पेपर में रैप करके दिया जाता है, तो ये मुद्दा मेरे साथ हुआ था। तो मैंने सोचा था कि क्यों है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आई थिंक कि हमें कुछ सिनेमा के थ्रू कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे लोगों तक पहुँचे बात।